तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि मैम हमें लाइव स्ट्रीम करना सिखाइए, हम अपना चैनल पर लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं, यानी कि लाइव कैसे आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना चैनल पर लाइव कैसे आ सकते हैं। ये मैं अपना मोबाइल की स्क्रीन पे करके दिखाऊंगी। तो उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है और आप अपना चैनल पर लाइव स्ट्रीम नहीं आते, तो आपको लाइव स्ट्रीम आना बहुत ज़रूरी है। लाइव स्ट्रीम आइएगा तभी जाके आपका चैनल पर वॉच टाइम जो है वो जल्दी से कंप्लीट होगा। आपको पता ही है कि जब भी हम लाइव स्ट्रीम आते हैं तो कम से कम एक घंटा, दो घंटा, आधा घंटा, कम से कम दो घंटा, डेढ़ घंटा इस तरह बैठते हैं। तो क्या होता है कि जो ऑडियंस आपके साथ जुड़ते हैं लाइव स्ट्रीम में, क्या होता है कि लाइव आपसे लोग बात करते हैं, आपसे ऑडियंस आपका कनेक्ट रहते हैं। तो आपको अपना चैनल पर जल्दी से वॉच टाइम कंप्लीट करना है या फिर अपना चैनल जल्दी से ग्रो करना है, तो आपको डेली लाइव स्ट्रीम आना चाहिए। या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आप डेली नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम वन वीक में एक बार तो आपको लाइव स्ट्रीम आना ही चाहिए। इससे आपका चैनल क्या होता है कि अच्छा से ग्रो होता है, आपका ऑडियंस आपसे जुड़े रहते हैं, आपसे कनेक्ट रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना चैनल पर लाइव स्ट्रीम कैसे आ सकते हैं, जैसे कि आपको साइड में स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, लाइव स्ट्रीम आने के लिए सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है। YouTube चैनल इस तरह ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे होम, शॉर्ट्स और प्लस का आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप वीडियो अपलोड करते हैं या फिर कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं या फिर आप अपना चैनल पर शॉर्ट्स बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे प्लस वाला बटन पर आप क्लिक करते हैं। तो सेम आपको प्लस वाला बटन पर इस तरह क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट अ शॉर्ट, अपलोड अ वीडियो, गो लाइव, गो लाइव टुगेदर। ये गो लाइव टुगेदर का ऑप्शन, इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाई थी। आप लोगों को, कुछ लोगों को मिला होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला है, लेकिन जिनको नहीं मिला है धीरे धीरे उनको मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट अ पोस्ट है, तो आपको क्या करना है, गो लाइव पे आपको क्लिक करना है। इस तरह जैसे ही गो लाइव पे क्लिक करेंगे ये आपका लाइव इस तरह ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्रिएट अ टाइटल लिखा हुआ है। तो आप अपना जो भी लाइव स्ट्रीम करते हैं करेंगे तो उसका आप टाइटल क्या लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइव आती हूँ तो लाइव चैनल चेकिंग इस तरह मैं यहाँ पे लिखती हूँ। उसी तरह आपको अपना कैटेगरी के हिसाब से जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लाइव चैनल चेकिंग। यहाँ पे देखिए मैंने लाइव चैनल चेकिंग लिख दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे अनलिस्टेड है, तो इस पर क्लिक करके आप पब्लिक या अनलिस्टेड कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन है, तो आपको मन है तो लोकेशन ऐड करिए, नहीं मन है तो लोकेशन आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑडियंस लिखा हुआ है और इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, मतलब कि आप जो वीडियो बना रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, वो वीडियो सिर्फ किड्स के लिए है, तो आपको नो करना है। यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद यस इट्स मेड फॉर किड्स है और नीचे यहाँ पे देखेंगे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। अगर आपका वीडियो किड्स के लिए है तो किड्स पे क्लिक करिए, अगर आपका वीडियो किड्स के लिए नहीं है, सभी के लिए है, तो नो पे आप इस तरह क्लिक कर दीजिए। नो पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मोर ऑप्शन करके दिखा रहा है, लर्न मोर, और उसके नीचे देखेंगे तो मोर ऑप्शन करके ऑप्शन आ रहा है, तो आपको मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आएगा, साथ में आप ऊपर फिर से स्क्रॉल करके आएंगे तो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में वैसे आप सेटिंग करके रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिखना रहता है अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, जैसे कि मेरे यहाँ पे अपने आप लिखा हुआ आ गया है। और भी आप डिस्क्रिप्शन में हैशटैग वगैरह कुछ भी, टाइटल वगैरह जो भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख ली हूँ। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, नीचे आना है और यहाँ पे देखिए एडवांस सेटिंग है, तो एडवांस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अलाउ चैट लिखा हुआ है, मतलब कि आपको कोई मैसेज करेगा, चैट करेगा, लाइव चैट या नहीं, आपको इसको ऑन रखना है। ऑन रखिएगा तभी आपका जो भी ऑडियंस लाइव में जुड़ेंगे तो वो आपको मैसेज करेंगे। तो ये ऑन ऑलरेडी ऑन है, तो इसको कुछ नहीं करना है। नीचे यहाँ पे देखिए इनेबल मोनेटाइजेशन है, तो आपको इसको ऑन करना है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो ये इनेबल मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपका अगर चैनल मोनेटाइज है तो आपको इसको ऑन करना है, ताकि कोई भी जो भी ऑडियंस आपके चैनल पर जुड़ेंगे तो उनके जो भी ऑडियंस आपके चैनल पर लाइव जुड़ेंगे उनको एड्स देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि मोनेटाइजेशन ऑन रखेंगे एड्स चलेगा तभी आपको उस वीडियो से अर्निंग होगी। तो ये करने के बाद आपको फिर से इस तरह बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए इस तरह यहाँ पे थंबनेल ऐड हो जाएगा।
तो इस तरह आपको यहाँ पे देखिए थंबनेल ऐड हो गया, तो इस तरह आपको फोटो ले लेना है। अगर आप फोटो नहीं डालना चाहते, कुछ अलग से थंबनेल बना के रखे हैं, तो आपको एडिट वाला बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिटेक थंबनेल, मतलब कि एडिट सेटिंग लिखा हुआ है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे रिटेक थंबनेल लिखा हुआ है, मतलब कि आप फिर से फोटो खींचेंगे, तो आपको फोटो तो खींचना नहीं है। आप ऑलरेडी थंबनेल अगर बना के रखे हैं तो आपको नीचे वाला पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे अपलोड थंबनेल लिखा हुआ है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अपलोड थंबनेल पे इस तरह क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ जाएगा, आपके मोबाइल में जितना भी थंबनेल आपने बना के रखा है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे अपलोड थंबनेल पे क्लिक कर रही हूँ इस तरह। तो देखिए जैसे कि मैं ये फोटो यहाँ पे लगाना चाहती हूँ, जैसे कि मैं ये फोटो बना के रखी हूँ, ये फोटो मैं जैसे कि यहाँ पे लगाना चाहती हूँ, तो देखिए ये फोटो यहाँ पे आ गया है। तो आपको इसको सेव करना है, इस तरह सेव पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो इस तरह लाइव हो जाएगा। इस तरह ये देखिए ये लाइव यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पे लाइव कर सकते हैं। तो लाइव इस तरह स्टार्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे इसको लाइव को हटाना चाहते हैं तो आपको इस पे यहाँ पे जो ये क्रॉस वाला बटन है, तो क्रॉस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लाइव यहाँ से हट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको हटाना है इस तरह इस पे। और यहाँ पे देखिए आर यू श्योर डैट वॉन्ट टू स्टॉप स्ट्रीमिंग, मतलब कि आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका लाइव स्ट्रीम बंद हो गया है। इसी तरह आप लाइव स्ट्रीम आ सकते हैं जितना। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप अपना चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।